गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम एम बल्डोदिया और मेरे साथ हैं सर्वेश यादव सर। पिछले कुछ दिनों से प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ गुरु नीति के एपिसोड्स हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आज के एपिसोड 5 में हमने लिया है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ फिजियोलॉजी है। और ग्रोथ फिजियोलॉजी में सर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इंक्लूड किए गए हैं। और आप ये देखिए, हर बार एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन आपको ऑलवेज यहाँ ग्रोथ फिजियोलॉजी से मिलेंगे। तो हमने जैसे हर एक फेज में हर एक चैप्टर को इंक्लूड किया था, वैसे ही आज के एपिसोड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंक्लूड किया है। इसके सारे जो इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो कनेक्शंस हैं, कनेक्टिविटीज हैं, लॉजिकल इंफॉर्मेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको हम डिस्कस करेंगे जैसा हम एज यूजुअल करते आए हैं। ठीक है, तो आइए आज बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी गुरु नीति एपिसोड 5, विच इज बेस्ड ऑन द ग्रोथ फिजियोलॉजी। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 154, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। सही कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स हमारे से पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले कहा गया है जिब्रेलिक एसिड रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेच्योर फॉलिंग ऑफ द लीफ। देखिए, जिब्रेलिक एसिड का ये फंक्शन नहीं है। इमेच्योर लीफ फॉल जो है वो बेसिकली ऑक्सिन जो है वो प्रिवेंट कर सकता है, और ऑक्सिन साइटोकाइनिन की एक्टिविटी जो कम्युलेटिवली होती है वो भी आप ये कह सकते हैं अर्ली फॉल को रोक सकता है। साइटोकाइनिन ओवरकम नेक्रोसिस, पॉइंट आउट करने वाली बात ये एडवर्स कंडीशंस ही हैं। देखिए, जिब्रेलिक एसिड जो है वो फ्लॉरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल तो है, आप इवन ये भी हम कह सकते हैं सर इट इज द मोस्ट इफेक्टिव इन द प्रोसेस ऑफ फ्लॉरिंग। बिल्कुल, जो वर्निलाइजेशन प्रोसेस है उस वर्निलाइजेशन को भी जिब्रेलिक एसिड से आप ये कह सकते हैं, जिब्रेलिक एसिड के यूज से रिप्लेस कर सकते हैं वर्निलाइजेशन को। तो ये करता क्या है, ये वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग कर देता है, और वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग से अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ शॉर्टनिंग, और इस शॉर्टनिंग से स्टूडेंट्स अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज आ जाएगा। अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ऑलवेज फ्लॉरिंग को प्रमोट करता है या फ्लॉरिंग को इंडिकेट करता है। लेकिन यहां जो सर ने अभी मार्क किया था, ये एडवर्स कंडीशन में दिया गया है जो अप्रोप्राइट नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। और फिर आपको दिया है 2,4-D फिनोक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो है 2,4-D और 2,4-5-T ये जो सब दिए हुए होते हैं, ये आप जानते हैं ऑक्सीन के फॉर्म से, सिंथेटिक ऑक्सीन है ये, आर्टिफिशियली इनको सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स इनकरेक्ट रेफरेंस हुआ, तो हमारे पास करेक्ट आंसर जो है इसका हो गया सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट 155, ए प्लांट हॉर्मोन विच यूज फॉर द इंड्यूसिंग मॉर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज। तो देखिए यहाँ पीटीसी की बात कर, हाँ, प्लांट टिश्यू कल्चर सर, ये आपके इंटरेस्ट का प्लांट टिश्यू कल्चर आ रहा है, तो इससे भी थोड़ा हम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मॉर्फोजेनेसिस में बहुत अच्छा फिजियोलॉजिकल रेफरेंस आप पढ़ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स में मॉर्फोजेनेसिस जो होता है, दिस मॉर्फोजेनेसिस इज बेसिकली द ऑर्गन फॉर्मेशन। आप कह सकते हैं मॉर्फोजेनेसिस होने का मतलब ये हुआ कि प्लांट में ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये ब्रांचेज हो सकती हैं, ट्विग्स हो सकती हैं, लीफ हो सकती है। ठीक है, इसको करने के लिए प्लांट जो है वो लाइट को रिसीव करता है, प्लांट लाइट रिसीव करता है, लाइट ऑलवेज एज ए स्टिमुलस यहां रिसीव किया जाएगा। बेसिकली प्लांट लाइट रिसीव करता है टू वेज में, जैसे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में हम कहें तो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में प्लांट लाइट को रिसीव करता है एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो मॉर्फोजेनेसिस जैसी एक्टिविटी है, इसमें प्लांट लाइट को रिसीव करता है एज द स्टिमुलस। एनसीईआरटी से एक जगह लिख रही है कंडीशंस फॉर ग्रोथ जहां दे रखी है, वहां ग्रेविटी और लाइट को एनवायरमेंटल सिग्नल कहा गया है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी वो कह रहा है जैसे टेम्परेचर है, वाटर है, ये सब जो है वो फैक्टर है, लेकिन जो लाइट है और ग्रेविटी है ये सिग्नल्स है। मीन्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स इन सिग्नल्स को रेस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरीके से लाइट जो है इस मॉर्फोजेनेसिस के प्रोसेस में सिग्नल होगा, मीन्स स्टिमुलस होगा, और इस स्टिमुलस को रिसीव करके प्लांट ऑर्गन जो है वो फर्दर अपनी एक्टिविटी करेंगे, जिसको मॉर्फोजेनेसिस कह रहे हैं। जैसे मॉर्फोजेनेसिस का एक एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं फ्लॉरिंग प्रोसेस। तो ये लाइट एज ए स्टिमुलस और सिग्नल रिसीव करने के बाद प्लांट यहां फ्लोरिजन हार्मोन को इंड्यूस करेगा, और वो जो फ्लोरिजन हार्मोन का इंडक्शन है उससे प्लांट में आप जानते हैं फ्लोरिंग का प्रोसेस हो जाता है। जो फ्लोरिजन बनता है दैट विल
ट्रांसमिट, वो ट्रांसमिटेबल है फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन टू द साइट ऑफ एक्शन, जहां उसकी जरूरत है वहां वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस मॉर्फोजेनेसिस का है, इस मॉर्फोजेनेसिस में आप कहेंगे लाइट को एज ए स्टिमुलस लिया गया। अब मैंने फिजियोलॉजी वाला पोर्शन बता दिया, सर्वे सर आपसे बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर। बिल्कुल, पीटीसी में इंपॉर्टेंट भी है, जैसे सर ने बताया मॉर्फोजेनेसिस जो है एक्सप्लेन कर दिया। तो पीटीसी में जब भी अपन जैसे कोई टिश्यू ले लिया आपने, उसमें ऑर्गन डिफरेंशिएशन करना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, जो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों को प्रमोट करते हैं। और ये एग्जांपल भी अच्छा दे रखा है कि आपका जो सूट फॉर्मेशन है, रूट फॉर्मेशन, उसके लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सर इवन ऐसा भी है इन मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज प्लांट में जो है उसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन, सॉरी साइटोकाइन जो है, तो वो एक डेफिनेट रेशियो में ही एक्ट करते हैं, दोनों साथ साथ ही एक्ट करते हैं और वहीं से ही ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग साइटोकाइनिन जो है वो आंसर पीटीसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं भी आपको नहीं दे रखा। क्या सर इसमें अगर इस क्वेश्चन में पेयर दिया जाता तो ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का पेयर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता? बिल्कुल, डेफिनेटली स्टूडेंट जैसा सर कह रहे हैं फाइनलाइज करते हैं, पीटीसी के बिहाफ पे ले लीजिए या फिजियोलॉजिकल जो मॉर्फोजेनेसिस इसके बिहाफ पे ले लीजिए, अगर इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता तो ये मच बेटर आंसर मिला। क्लियर, तो आगे डिस्कस करें। 156 ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन स्टोमेटल ओपनिंग विच वन पेयर इज इंपॉर्टेंट? सीड जर्मिनेशन की प्रोसेस में और स्टोमेटल ओपनिंग में कौन सा एक पेयर जो है वो इंपॉर्टेंट है? तो देखिए सीड जर्मिनेशन की एक्टिविटी जहां तक हम बात करते हैं वहां आप ये कह सकते हैं जिब्रेलिक एसिड का अपना इंपॉर्टेंस है। जो जिब्रेलिक एसिड है वो जर्मिनेशन की एक्टिविटी को प्रमोट करता है, क्योंकि ये करता क्या है आपको पता है, सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है स्टूडेंट्स, एम्ब्रियोनल एक्सिस में रेडिकल और प्लूमूल पार्ट है, ये अंडरग्राउंड पार्ट आप रेडिकल कंसिडर करते हैं, आर लिख देता हूं मैं, और ये प्लूमूल है। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस की इलोंगेशन ही एग्जैक्टली सीड जर्मिनेशन, तो इसके इलोंगेशन को ऑब्वियस है जिब्रेलिक एसिड जो है वो प्रमोट करेगा। और फिर उसके बाद में सर स्टोमेटल ओपनिंग दे रखा है, यहाँ स्टोमेटल ओपनिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो आपका है सीके, जैसे ये फिजियोलॉजी में अपने डिस्कस भी किया था, जो एच प्लस के प्लस जो पंप होता है जो अपने गार्ड सेल में होता है, वहां पर उसको रेगुलेट करने के लिए सीके है और एक है एब्सेसिक एसिड, तो एब्सेसिक एसिड जो उसको इनएक्टिव करता है, स्टोमेटल क्लोजर लाता है उसको सर, इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है एब्सेसिक एसिड को। जैसा सर ने बताया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कनेक्ट कर रहे हैं, एब्सेसिक एसिड जो है इसको आप कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, तो ये स्टोमेटल क्लोजर ला देता है, तो ओपनिंग में हेल्प कौन कर रहा है? सीके, सीके। तो सर फाइनलाइज करें, ओपनिंग में स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प कर रहा है साइटोकाइनिन और सीड जर्मिनेशन में हेल्प कर रहा है जिब्रेलिक एसिड, तो हमें वो पेयर देख लेना चाहिए जिसमें जिब्रेलिक एसिड एंड साइटोकाइनिन लिखा है, थर्ड आंसर यहां एप्रोप्राइट होगा। क्लियर, नेक्स्ट 157 मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड। देखिए यहां फर्स्ट लिखा है कंट्रोल ऑफ वीड्स, बिल्कुल जो वीड्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, अभी अभी हमने 240 जो है जिसको डाई एजेंट ऑरेंज भी अपन बोलते हैं, ऑरेंज एजेंट बोलते हैं 24D, देखिए ये यूज किया जाता है। और यहाँ बहुत अच्छा एक कंसेप्ट एनसीईआरटी ने दे भी रखा है, ये सब डाइकोटाइलेडोनस वीड्स जो होती है उन्हीं को किल करता है, मोनोकोट्स को नहीं मार पाता, तो इसके लिए एनाटॉमी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो मोनोकोट वीड्स हैं या मोनोकोट प्लांट है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब ये उनको मारता कैसे है या किल कैसे करता है, उनमें एक्सपेंशन ला देता है, और जो एक्सपेंशन होगा ऑर्गन्स में वो एक्सपेंशन इंस्टेंट मिनरल्स और वाटर की रिक्वायरमेंट करेगा, तो उसके कारण उसकी रिक्वायरमेंट जैसे वो फुलफिल नहीं हो पाएगी तो वो डेड हो जाएंगे। तो कंट्रोल ऑन वीड्स में आप कहेंगे 240। उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट दे रखा है सर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हम देखें ना तो जो इथाइलीन उसका अपना इंपॉर्टेंट रोल है, इवन स्टोरेज में और आर्टिफिशियल राइपनिंग में ये सब यूज होता है, इसको जो है वोलेटाइल हार्मोन भी कहते हैं, गैसेस हार्मोन, तो सर ने उधर टिक कर दिया, सी मैं बी छोड़ दिया है मैंने। इंडक्शन ऑफ द जर्मिनेशन, जर्मिनेशन अभी जैसा आप डिस्कस कर रहे थे जिब्रेलिक, बिल्कुल यहां से कनेक्ट हो जाएगा, ये हो गया बता दिया 240 एंड डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस, जैसा अभी कह रहे थे हम कि डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी में साइटोकाइन इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियस है प्रीमैच्योर लीफ फॉल हुआ या फिर अर्ली डैमेज जो हुआ उसको ये प्रिवेंट करता है, रोकता है, तो आपके सामने एरो लगा के यहां इनको मैच कर दिया गया है, आप आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 158 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, बिल्कुल अभी आपने डिस्कस किया, जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था एब्सेसिक एसिड स्ट्रेस कंडीशन में जो है एक्ट करता है, वाटर स्ट्रेस जैसे आ गया उन वाटर स्ट्रेस वाले कंडीशंस में जो है वो ही एग्जैक्टली एक्ट करेगा। क्लियर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेफरेंस
टू प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के रेफरेंस में कौन सा सही है, मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। देखिए सर, इसको थोड़ा सा हम और पहले समराइज कर दें जिससे इस पर और डिस्कशन कर सके। किसी भी प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल जो प्रोसेस होता है, दो टाइप के फैक्टर्स को रेगुलेट करते हैं ऑलवेज। तो जो रेगुलेटिंग फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। एक फैक्टर होगा एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और जो दूसरे फैक्टर हैं वो होंगे इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसमें देखिए केमिकल स्टिमुलस स्पेसिफिकली इन्वॉल्व है, जिनको आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कह सकते हैं। मैं PGR यहां लिख रहा हूं। और इसके अलावा एक सर इसका जो जेनेटिक कंट्रोल है, मतलब जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है या जो जेनेटिक मेकअप है सेल का या प्लांट का, वो इंट्रिंसिक फैक्टर में ही काउंट होता है। केमिकल स्टिमुलस स्पेसिफिकली PGR होते हैं। और एक्सट्रिंसिक में आप जानते हैं जितने एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बच्चों, वो यूटिलाइजेशन में होंगे, जिसमें लाइट आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेसिपिटेशन आ गया, ये सब इसमें होते हैं। तो ये दो टाइप के फैक्टर प्लांट को रेगुलेट करते हैं। तो ऑब्वियस है जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, अब देखो एक बहुत परफेक्ट स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, NCERT ने मेंशन किया है कि जो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है दैट इज रेगुलेटेड बाय द इंट्रिंसिक फैक्टर वाया एक्सट्रिंसिक, मतलब इनको यूज करते हुए वो करता है, लेकिन रेगुलेटर कौन है? आपने कहा साइटोकाइनिन अपनी एक्टिविटी करता है, ऑक्सिन अपनी एक्टिविटी करता है, सारे हार्मोन अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, बट इन एक्सटर्नल फैक्टर्स के कोलैबोरेशन के बिना नहीं कर सकते, ऑप्टिमम कंडीशंस उनको रिक्वायर्ड होती हैं। तो सर ये सही हो गया, ऑक्सिन डू नॉट इंड्यूस फ्लॉरिंग इन जिम्नोस्पर्म। बिल्कुल सही बात है, जिम्नोस्पर्म जो है वैसे भी जो है वो फ्लॉरिंग प्लांट या फ्लॉरिंग प्रोसेस है नहीं उसमें। ऑक्सिन ओरिजिनेट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड कंट्रोल ग्रोथ एल्सवेयर, ठीक है, वो कह रहा है स्तंभ के सीन्स पर उत्पन्न होता है, सभी स्थानों पर प्रतिको नियंत्रित करता है, ये ट्रांसमिटेबल है, वहां पर भी ग्रोथ हो रही है या डिवीजन डिफरेंशिएशन, वहां ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो प्रेजेंट होगा। ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ट्रांसमिटेबल, दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द साइट ऑफ फॉर्मेशन टू साइट ऑफ एक्सेप्शन। फिर यहां दे रखा है ऑल ऑफ दिस, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे पास ये सब ठीक हो गए। तो आंसर फोर्थ फाइनल रहा 160। The given figure shows the development of an embryo that undergoes two phases A and B. Select the correct option. तो देखिए A हमें दिया है और B हमें दिया है। सर अगर इसको हम डिटेक्ट करें तो मैं ये देख रहा हूँ जायगोट डिवाइड हुआ। जायगोट में देखिए ट्रांसवर्स डिवीजन यहाँ दिखाया गया है और उसके बाद में ये जायगोट में टेट्राड कंडीशन दिखाई गई है और यहाँ से फाइनली ये ऑक्टेंट बना दिया गया है। कंटिन्यूअस इस कंडीशन में मैं ये देख रहा हूँ सर 2, 4, 8 ये सेल्स मुझे दिखाई गई है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं दिस इज द मल्टीपल इंक्रीज और जो है ये जियोमेट्रिक पैटर्न का ग्रोथ होगा। बिल्कुल ठीक है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसका डबल नंबर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखिए यहां जो ग्रोथ हो रही है तो कुछ सेल्स जो है वो तो डिवाइडिंग कंडीशन में है और इसके अलावा कुछ सेल्स जो है वो परमानेंट हो गई है। उन्होंने मेंशन भी किया है, मेंशन भी किया है, देखो सेल्स कैपेबल ऑफ द डिवीजन एंड सेल्स दैट लूज द कैपेसिटी ऑफ टू डिवाइड। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि ए में जो होने वाला ग्रोथ था वो तो जियोमेट्रिक पैटर्न का था, लेकिन यहाँ बी जो है यहाँ आके जो ग्रोथ हुआ दिस विल बी द अर्थमेट्रिक। तो ये देखे जियोमेट्रिक फेज एंड अर्थमेट्रिक फेज फर्स्ट ऑप्शन में हमें लिखा हुआ मिल रहा है और इसके बहुत सारी कनेक्टिविटी बनती हुई है। देखो मोनोकॉट और डाइकोट दोनों ही टाइप के प्लांट्स में 2 to 16 सेल स्टेज तक एक सिमिलर टाइप का डिवीजन होता है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, एम्ब्रियोलॉजी से सर कनेक्ट करता है, इकोलॉजी में डिवीजन के प्रोसेस जो ग्रोथ मॉडल दे रखे हैं उसमें भी ये कनेक्ट करता है। तो आप ये कह सकते हैं 2 to 16 सेल स्टेज तक मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट्स में ऑलवेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जियोमेट्रिक ग्रोथ होगी। क्लियर, फिर परमानेंट फॉर्मेशन के बाद ये ग्रोथ होने लग जाती है। नेक्स्ट 161, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑक्सिन्स। ऑक्सिन के लिए स्टेटमेंट्स कह रहा है सर, ऑक्सिन्स प्रमोट रूट ग्रोथ ओनली एट एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशन एंड दे इनहिबिट रूट ग्रोथ एट हायर कंसंट्रेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, वो कह रहा है देखो रूट ग्रोथ जो है उनकी हायर कंसंट्रेशन होगी तब प्रमोट करेंगे। डेफिनेटली आपको सही पता है, जैसे सर अभी ऑर्गेनोजेनेसिस बोल रहे थे, हमने PTC प्लांट टिश्यू कल्चर में देखा कैलस फॉर्म है या कोई भी स्टॉक है वो एग्जैक्टली डिफरेंशिएट करेगा, तो ये लो कंसंट्रेशन जो उसकी होगी तो इनहिबिट कर देगा और हायर कंसंट्रेशन में वो रूट की ग्रोथ करेगा। रूटिंग हार्मोन भी अपन बोल देते हैं, रूटिंग हार्मोन, अच्छी बात आपने इंक्लूड कर दिया सर। कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन व्हिच इज इनहिबिटरी टू रूट ग्रोथ कॉजेस इनिशिएशन ऑफ एडवेंटियस रूट्स फ्रॉम द नोड्स ऑफ द बेसल रीजन ऑफ द स्टेम। बिल्कुल इसका यूज भी है, एक अच्छा एप्लीकेशन है। ये कह रहा है ऑक्सिन जो है इसकी इनहिबिटरी प्रेजेंस, इनहिबिटरी कॉज जो है वो क्या करवाएगा, एडवेंटियस रूट फॉर्मेशन करवा देगा। फिर कह रहा है ऑक्सिन सच एज NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IDA यूज्ड टू इंड्यूस रूटिंग
इन स्टेम कटिंग, बिल्कुल आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है दोनों और इनको यूज किया जाता है। तो हमारे पास सर ये ऑल ऑफ दीज मुझे लग रहा है सारे स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट होंगे। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 162 डॉक्टर एफ डब्ल्यू वेंट, आपको पता है एफ डब्ल्यू वेंट को क्रेडिट जाता है ऑक्सीजन की डिस्कवरी का। नोटेड दैट इफ कॉलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगार फॉर 1 आवर द अगार वुड प्रोड्यूस ए बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कॉलियोप्टाइल स्टम्स। तो इन्होंने ऐसा किया था कि ये जो कॉलियोप्टाइल है एविना कॉलियोप्टाइल इन्होंने यूज किया और इस पर यूनिलेटरल लाइट जब दिया तो इसमें बेसिकली बेंडिंग आ गई। तो देखिए सर, इससे पहले जो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन थे उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव कर दिया था एग्जैक्टली कि कोई ये केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस के कारण जो है वो बेंडिंग आती है। तो ये कर्वेचर तो यहां क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां हमें जो कह रहा है कि यहां से क्या किया गया, सिस्टम के सॉरी इसको जो है वो कट कर लिया गया और अगार ब्लॉक पर इस टिप को प्लेस कर दिया गया। बेसिकली इस अगार ब्लॉक में ऑब्वियस है वो केमिकल सब्सटेंस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और स्टंप को अगर लाइट दी जाएगी तो स्टंप में बेंडिंग नहीं आएगी। ये क्वेश्चन भी हमें यही पूछ रहा है कि जो फ्रेशली कट कॉलियोप्टाइल टिप है उनको अगर अगार ब्लॉक पर प्लेस आप कर देते हैं और वो जो स्टंप है वो यूनिलेटरल लाइट दिए जाने पर बेंडिंग शो नहीं करता है तो इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली क्या है। तो एक तरीके से हम देखें तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट ही परफॉर्म किया गया, बिल्कुल डार्विन ने भी कर लिया था और उसके बाद में एफ डब्ल्यू वेंट ने भी किया, लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट एफ डब्ल्यू वेंट को जाता है। तो उसका बेसिक रीजन क्या है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑक्सीजन। देखिए आइडेंटिफिकेशन जो है वो हो चुका था, ये क्लियर था कि कोई केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है जो इस बेंडिंग या कर्वेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस कर्वेचर इज ड्यू टू ए केमिकल सब्सटेंस, वो केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन है दैट नेम्ड और फाइनलाइज्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एफ डब्ल्यू वेंट। तो ये कोई सब्सटेंस जो है उस सब्सटेंस का जो क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये कंफर्मेशन एफ डब्ल्यू वेंट के एक्सपेरिमेंट के बाद ही आई थी। ये सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, आई थिंक 2014 की एग्जाम का क्वेश्चन है, AIPMT 2014 में ये पूछा भी गया क्वेश्चन सिविल एग्जैक्टली ऐसे गया सर। तो जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन एफ डब्ल्यू वेंट के एक्सपेरिमेंट के बाद डिस्कवर किया गया और एफ डब्ल्यू वेंट का जो एक्सपेरिमेंट था उसका सिग्निफिकेंस ये था कि एक ऑक्सीजन का क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन हुआ और ये कंफर्म हुआ कि स्मॉल अमाउंट जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस का है वो ही फाइनली इसमें क्या ला रहा है, बेंडिंग ला रहा है, दैट इज द ऑक्सीजन। तो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन और जो डिटेक्शन है ये आप ये कह सकते हैं यहां से एफ डब्ल्यू वेंट के एक्सपेरिमेंट के बाद ही हुआ था, लेकिन यहां से इसके बजाय क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जो है वो मोर एप्रोप्रिएट है। फिर कह रहा है इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट इंडोल एसिटिक एसिड इज ऑक्सीजन, ये इस केमिकल नेचर को कोई सपोर्ट नहीं करता है। इट डेमोन्स्ट्रेटेड द पॉलर मोमेंट ऑफ ऑक्सीजन, पॉलर मोमेंट में जैसा सर अभी कह रहे थे कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन जो है वो दोनों एक डेफिनेट रेशियो में किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में एक्ट करते हैं, तो वहां हम ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में भी पॉलर मोमेंट डिस्कस करके आए हैं, ये एक्सपेरिमेंट इसको भी नहीं बताता है। सो एग्जैक्टली द आंसर विल बी द सेकंड 163 व्हिच इज नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन। देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल हार्मोन्स जो है वो हम पढ़ते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल हार्मोन्स हमें दिए जाते हैं जो केमिकली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा सकता है वो आर्टिफिशियल हार्मोन होगा और जो प्लांट से ऑब्जर्व किया जा सकता है वो नेचुरल ऑक्सीजन हार्मोन होगा। तो यहाँ इंडोल एसिटिक एसिड दे रखा है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हमें दे रखा है, IPA और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन दिया है। नेचुरल की बात करेंगे तो इंडोल एसिटिक एसिड जो नेचुरली प्लांट में सिंथेसाइज होता है, IA है, IB है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, इन सबको ये सिंथेटिक है, 2,4-D है, 2,4-5-T है, इन सबको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जा सकता है इंडोल एसिटिक एसिड। 164 जिब्रेलिक एसिड हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड टू इंड्यूस फ्लॉरिंग। देखिए अभी जिब्रेलिक एसिड का फ्लॉरिंग से जो रिलेटेड फिनोमिनन है उसको हम डिस्कस भी कर रहे थे, लॉन्ग डे प्लांट, इन लॉन्ग डे प्लांट अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस डेफिनेटली। देखो अभी हमने ये कहा था LDP है, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट है तो इसका मतलब है लाइट का ड्यूरेशन उसको ज्यादा रिक्वायर्ड है, लाइट ड्यूरेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, तो या तो आप उसको लाइट दीजिए तब उसमें फ्लॉरिंग होने वाली है। अब या फिर इसका कोई अल्टरनेट ढूंढिए आप, तो अल्टरनेट ढूंढ के क्या कर सकते हैं आप, जिब्रेलिक एसिड से उसको ट्रीट कर सकते हैं और ऐसा करने पर क्या होगा कि प्लांट की जो ओवरऑल वेजिटेटिव फेज है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी और जो रिप्रोडक्टिव फेज है इस रिप्रोडक्टिव फेज का अर्ली इंट्रोडक्शन आ जाएगा और अर्ली इंट्रोडक्शन आने का मतलब ही एग्जैक्टली क्या होता है, फ्लॉरिंग होता है। तो कम टाइम ड्यूरेशन में मतलब लाइट की कम अवेलेबिलिटी जो है उन कंडीशंस में भी आप उन प्लांट्स में जिब्रेलिक एसिड को यूज करके फ्लॉरिंग करवा सकते हैं। तो आगे पढ़ो सर ये जरूरत नहीं है, इन शॉर्ट डे प्लांट्स अंडर लॉन्ग डे कंडीशंस, शॉर्ट डे प्लांट्स में तो लॉन्ग डे कंडीशन में फ्लॉरिंग होगी ही नहीं, ठीक है।
फिर कह रहे हैं फॉर सम प्लांट्स, डेफिनेटली फॉर सम प्लांट्स बट स्पेसिफाई नहीं किया गया है नन ऑफ दीज, तो हमारा आंसर यहां हो जाएगा इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशंस। 165 साइटोकाइनिंस आर नॉन टू, साइटोकाइनिंस जो है वो जाने जाते हैं, इनहिबिशन साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं, फिर कह रहा है हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ द क्लोरोफिल, बिल्कुल क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में रोल है इनका, फिर कह रहा है इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, ऐसा वाटर मूवमेंट में कोई डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इनका नहीं है, प्रमोशन एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन, एब्सिशन लेयर फॉर्मेशन नहीं करता ये जो है वो प्रिवेंट करता है, प्रमोशन नहीं करता है, जो ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का डेफिनेटिव रेशियो है उसके अकॉर्डिंग एब्सिशन लेयर्स का फॉर्मेशन सर होता है प्लांट में, तो प्रमोशन नहीं करेगा ये, तो आई थिंक यहाँ जो है सेकेंड हो जाएगा। हाँ, हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंट भी है क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोफिल पिगमेंट जो उनके फॉर्मेशन में, उनके फॉर्मेशन में सेल्स के बनाने में डिफरेंशिएशन ओवरऑल करता है, तो ये डेफिनेटली मेंटेन रखेगा। 167 which of the following response of the plant to growth hormone is true for ethylene? Ethylene जो volatile hormone है, हमने कहा था gaseous PGR है, उसका क्या role है? Increase cell elongation, इसका role नहीं होगा। Cell elongation की activity अगर हम देखें तो gibberellic acid basically elongation में involved होता है, बाकी division में auxin भी involved होता है, even gibberellic acid, auxin और cytokinin तीनों का role जो है वो cell के division differentiation में हो सकता है। Decrease in the formation of the female flower, female flowers को घटाना, घटाना एक्टिविटी नहीं होगी, जो प्रमोटिंग हार्मोन है वो स्पेसिफाई किसी जीन के एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए मेल और फीमेलनेस जो है वो आ सकती है। फिर कह रहा है इंक्रीज राइपनिंग ऑफ फ्रूट, डेफिनेटली ये जो है वो करेक्ट रेफरेंस है, इथाइलिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ही है फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। तो सर आंसर फाइनल करें, थर्ड आंसर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोथ शोइंग इंक्रीज इन वॉल्यूम विदाउट इंक्रीज इन वेट, इज वो कह रहा है कि जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम में इंक्रीज के साथ अपीयर हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट सर पैरामीटर्स दे रखे हैं ग्रोथ का, सेल के वॉल्यूम में या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के वॉल्यूम में इंक्रीज आना, लेंथ में इंक्रीज आना, सरफेस एरिया में इंक्रीज आना, तो इस तरीके से वो जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि वॉल्यूम में तो इंक्रीज आया बट नॉट द इंक्रीज इन वेट। तो किसमें ऐसा कह सकते हैं? सबसे पहले कह रहा है सीडलिंग ग्रोथ, सीडलिंग ग्रोथ अगर होगा, सीडलिंग स्टेज आएगी तो ऑब्वियस है रेडिकल और प्लूमूल से जो है वो एक्सटेंशन लेते हुए वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट में डेवलप हो जाएंगे, बन जाएंगे, तो ये तो ऑब्वियस है बायोमास में इंक्रीज करवाएगा ही करवाएगा। फिर आपको दे रखा है फ्रूटिंग, तो फ्रूटिंग जो है इस फ्रूटिंग प्रोसेस में भी प्लांट में फ्रूट का बनना, इसका मतलब नया ऑर्गन बन गया है, डेफिनेटली इंक्रीज आएगा। फिर कह रहा है पॉलन जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन की जो एक्टिविटी है, इस जर्मिनेशन की एक्टिविटी में आप कह सकते हैं वहां सेल का साइटोप्लाज्मिक बेसिस जो है या उस लेवल पर चेंजेज होंगे, और पोलन ग्रेन जो है उसका जर्मिनेशन मींस द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है, तो इलोंगेशन की एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट करता है। और फिर आपको दे रखा है ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, इलोंगेशन होगा यहाँ पर, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम बट इसका जो वेट है वो इंक्रीज नहीं होता, मतलब एक तरीके से सर मैं सोचता हूँ कि ये मेजरेबल नहीं होगा, मेजरेबल हाँ, अगर वेट इंक्रीज हो भी रहा है, जैसे आपके दिमाग में आएगा कि सर क्यों नहीं होना चाहिए, सेल वॉल का भी फॉर्मेशन हो रहा है, अंदर मेम्ब्रेन भी इसके बन रही है, तो ऑर्गन तो इलोंगेट हो ही रहा है, तो फिर वेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो ये मेजरेबल नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं ऑलमोस्ट जो है, इसलिए आप इसमें आंसर पे जा सकते हैं पोलन जर्मिनेशन, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 168, फाइटोक्रोम इज यूज्ड इन, फाइटोक्रोम का यूज होता है सीड जर्मिनेशन ओनली, ट्रांसपीरेशन, तो देखिए पहले तो फाइटोक्रोम पे बात कर लें उसके बाद ऑप्शंस पे हम आते हैं। सर ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया 2019 में कि जो फाइटोक्रोम्स उनका एग्जैक्टली रोल क्या है, तो देखिए फाइटोक्रोम बेसिकली प्रोटीन्स है, और ये जो फाइटोक्रोम इनके दो इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म हम पढ़ते हैं, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फारेड, ये हायर वेवलेंथ पे फारेड में कन्वर्ट हो जाता है और लोअर वेवलेंथ पर फारेड जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो इनका जो इंटर कन्वर्जन है, ये इंटर कन्वर्जन ही फ्लोरिंग प्रोसेस के लिए, जो फ्लोरिन फ्लोरिजिन हार्मोन है उसके इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोरिजिन, ये फ्लोरिजिन हार्मोन प्लांट में जहां से बनता है वहां से परफेक्टली उस साइट पर ट्रांसफर होता है जहां इसका इंडक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे बर्ड्स वगैरह है। तो देखिए लीफ जो है प्लांट की, ये आप कहेंगे लीफ किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ जो ब्रांच है या ट्विग है उसके साथ जुड़ी है, और लीफ की एग्जाइल में बर्ड्स प्रेजेंट होती है, ये थोड़ा सा मैंने सेल फॉर्म बना दिया, ये देखिए अब जो बर्ड यहां प्रेजेंट है ये बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो सकती है, या तो एक्जिलरी बर्ड हो सकती है या फिर एपिकल बर्ड कन्वर्ट हो सकती है, तो जैसे ही स्टिमुलस लेंगे, लाइट स्टिमुलस रिसीव करेंगे, तो फाइटोक्रोम्स का कन्वर्जन होगा,
इंटरकन्वर्जन, इस साइटोक्रोम के इंटरकन्वर्जन से फ्लोरिजिन हार्मोन यहाँ इंड्यूस होगा और ये फ्लोरिजिन हार्मोन ट्रांसमिट होकर इस बर्ड को जो है वो वेजिटेटिव बर्ड को कन्वर्ट कर देगा। आप कहेंगे वेजिटेटिव बर्ड्स जो हैं, इन वेजिटेटिव बर्ड्स का कन्वर्जन आता है फ्लोरल बर्ड्स, ठीक है, और फ्लोरल बर्ड्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है फ्लावर बनाती हैं। तो दो बातें यहां क्लियर हुई सर। कई बार एक ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे फिजियोलॉजी में से आते हैं कि जैसे प्लांट में से सारी लीफ हटा दी जाए, सिर्फ एक लीफ रख ली जाए तो क्या फ्लोरिंग हो जाएगी? डेफिनेटली फ्लोरिंग प्रोसेस तब भी हो जाएगी क्योंकि लीफ जो है वो एज ए परसीविंग ऑर्गन प्रेजेंट है। लीफ को सिर्फ लाइट स्टिमुलस चाहिए और हार्मोन एक बार अगर वहां सिंथेसाइज हो गया या बन गया तो डेफिनेटली वो साइट ऑफ एक्शन पे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सिंगल लीफ भी प्लांट में फ्लोरिंग का प्रोसेस करवा सकती है। और इंटरेस्टिंग बात एक और है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फ्लोरिंग करवाने के लिए जो परसीविंग ऑर्गन है लाइट का वो ऑलवेज लीफ होता है, बट नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है ना। कई बच्चों को सीधा कंफ्यूजन होता है कि फ्लोरिंग करवाने के लिए परसीविंग ऑर्गन क्या होगा, तो कुछ तो सीधा ही फ्लावर पे चले जाते हैं, तो इतना एडवांस नहीं हो, फ्लोरल बर्ड पे भी नहीं जाए, आप सिर्फ लीफ पे टिके रहे हैं कि लीफ जो होगा वो परसीविंग ऑर्गन होगा। तो इस तरीके से अब जो फाइटोक्रोम्स है उस पर हम आ जाते हैं। मैंने ब्रीफ कर दिया है कंसेप्ट इसका। सर ये कह रहा है सीड जर्मिनेशन ओनली, सीड जर्मिनेशन ओनली और लिखा है रेफरेंस, हालांकि सीड जर्मिनेशन में डायरेक्ट फाइटोक्रोम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां लाइट के साथ साथ ग्रेविटी सिग्नल जो है उसको स्पेसिफिकली रेस्पोंड करता है प्लांट। फिर कह रहा है ट्रांसपीरेशन ओनली, वैसे भी ट्रांसपीरेशन में रोल नहीं है, ओनली और लिखा है। फ्लॉरिंग ओनली डेफिनेटली आप कह सकते हैं फ्लॉरिंग प्रोसेस में है। और फोर्थ पढ़ लेते हैं, ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एग्जिबिटेड बाय द प्लांट सच एज सीड जर्मिनेशन फ्लॉरिंग स्टेम एलोंगेशन एंड ट्रांसपीरेशन नहीं होगा। सारी बातें आपको दे दी है, तो फाइटोक्रोम्स का इन सब में रोल नहीं होता। फाइटोक्रोम्स का बेसिकली जो है वो रोल है प्लांट के फ्लॉरिंग प्रोसेस में। तो सर आंसर फाइनल किया जाए, थर्ड आंसर यहाँ हो जाएगा केवल पुष्पन में। नेक्स्ट हनी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 168, फाइटोक्रोम इज यूज्ड इन, देखिए फाइटोक्रोम्स यहाँ दिया गया है 2019 में फाइटोक्रोम पे एक क्वेश्चन पूछा गया सर। तो फाइटोक्रोम्स जो हैं वो इंटरकन्वर्टेबल हैं, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। ये फाइटोक्रोम्स जो है वो बेसिकली ब्लू प्रोटीन पिगमेंट है या फोटो रिसेप्टर सर इनको कह सकते हैं, एक परफेक्ट वर्ड पे हम जा सकते हैं। फाइटोक्रोम्स आर द फोटो रिसेप्टर। ये प्लांट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हुए या प्रेजेंट रहते हुए ये फोटो रिसेप्टर्स लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि लाइट और ग्रेविटी जो है दोनों एनवायरमेंटल सिग्नल्स हैं। तो यहां देखिए इन फाइटो हार्मोन्स का रोल क्या है, एक तो आप कहते हैं फोटो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हुए ये प्लांट में फ्लोरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। हम डायरेक्ट जा सकते हैं सर इस पे, फ्लोरिंग को इंड्यूस करवाते हैं। और इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि किसी प्लांट की लीफ जो है इस लीफ में फाइटो हार्मोन्स की प्रेजेंस है, ये लाइट को परसीव करेगा, परसीविंग ऑर्गन इज ऑलवेज द लीफ फ्लोरिंग प्रोसेस में भी। और यहाँ जो बर्ड प्रेजेंट है जो एक्जिलरी बर्ड है ये वेजिटेटिव बर्ड फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट होगी, तो वो फ्लोरिजन हार्मोन के इंडक्शन से होती है। और फ्लोरिजन हार्मोन का इंडक्शन लाने के लिए क्या होता है, इस लीफ में जो फाइटो रिसेप्टर्स हैं या फाइटोक्रोम्स हैं ये कन्वर्जन शो करते हैं। इस कन्वर्जन से फ्लोरिजन हार्मोन जो है उस फ्लोरिजन का इंडक्शन आएगा और फ्लोरिजन के इंडक्शन के बाद ये ट्रांसमिट होकर इस बर्ड को वेजिटेटिव बर्ड को फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो डेफिनेटली फ्लोरिंग में इसका बड़ा रोल है। उसके बाद सर कुछ और हमें दे रखा है, सीड जर्मिनेशन दे रखा है। देखिए सीड जर्मिनेशन में आप यूनिवर्सली तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे सीड जो है वो फोटोब्लास्टिक होते हैं। फोटोब्लास्टिक होंगे इसका मतलब है लाइट की प्रेजेंस में ही जो है वो जर्मिनेट होते हैं, तो डेफिनेटली वहां फोटो रिसेप्टर्स होंगे और वो जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो फाइटोक्रोम हो सकते हैं। ओनली लिखा है इसके लिए ये आंसर नहीं होना चाहिए। फिर कह रहे हैं ट्रांसपीरेशन ओनली, तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस अगर हम देखें तो सर स्पेक्ट्रम जो है, बिल्कुल स्पेक्ट्रम में बात करें तो जो ब्लू, इसके लिए बोलते हैं अपन ब्लू रेड स्पेक्ट्रम, जनरली जो ब्लू लाइट है उसमें ट्रांसपीरेशन के रेट हाई होगी, हाई हो तो वहां जो ओपनिंग है स्टोमेटा की उसको ही ज्यादा रेगुलेट स्टिमुलेट करेगा, प्रमोट करेगा। वैसे भी ब्लू स्पेक्ट्रम की जो लाइट है वो शॉर्टर वेवलेंथ है, हाईली एनर्जेटिक होता है, तो इन्फ्लुएंस ज्यादा उस पर आएगा। तो डेफिनेटली जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है उस ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को भी ये इफेक्ट करता है, लेकिन ओनली लिखा है तो ऑप्शन ये भी हम चूज नहीं कर सकते। फिर कह रहा है फ्लॉरिंग डेफिनेटली होता है, ओनली आई मेंशन किया है। तो फोर्थ ऑप्शन सर हम पढ़ लेते हैं, ऑल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एग्जिबिटेड बाय द प्लांट्स सच एज सीड जर्मिनेशन डेफिनेटली, फ्लॉरिंग, स्टेम इलोंगेशन एंड ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ये जो एक्टिविटीज है इन एक्टिविटीज में आप ये कह सकते हैं कहीं डायरेक्ट इंपैक्ट आप देख सकते हैं और कहीं पार्शियल इंपैक्ट आप देख सकते हैं। देखो बहुत सारे जैसे स्टेम इलोंगेशन में मेरिस्टेम की एक्टिविटी को पढ़ते हैं, उसमें डायरेक्ट इंपैक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पार्शियल इंपैक्ट जो है वो जरूर हो सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास मोर एप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हो जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट 169, चूज द करेक्ट मैच, साइटोकाइनिंस ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करवा देता है।
जो एपिकल पार्ट है या टिप पार्ट है उनको अगर कट कर दिया गया तो इसका बेसिक लॉजिक ये है, यहाँ इंडोल एसिटिक एसिड था और ये जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं यहाँ साइटोकाइनिन, ये साइटोकाइनिन ट्रेवल करके जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड तक जाता है। अब आपने ये सोर्स जो है वो हटा दिया यहाँ से, तो डेफिनेटली ये साइटोकाइनिन अपना डाइवर्जन देख लेगा कहीं और डाइवर्जन में लेटरल ब्रांचिंग होने लगेगी। तो इस तरीके से एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम करवाने के लिए हम टिप पार्ट काट देते हैं। गार्डनर्स के लिए सर बहुत अपने आप में ये इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस है। फिर लिखा है एब्सिसिक एसिड सीड डेवलपमेंट मैच्योरेशन एंड डोरमेंसी, सीड डेवलपमेंट डोरमेंसी और मैच्योरेशन सब में एब्सिसिक एसिड का रोल है, स्ट्रेस हार्मोन है, इनहिबिटरी प्रेजेंस आपके बिल्कुल डोरमेंसी में तो स्ट्रेस कंडीशन आ गई और लेकिन सीड के मैच्योरेशन में भी इसका बड़ा, जैसे आप इसका वो देखो ये जितना इफेक्टिव होगा उतना ही कम होने देगा, बिल्कुल मैच्योरेशन को लीड करवा देगा। फिर कह रहा है इथाइलिन रूट हेयर फॉर्मेशन, डेफिनेटली रूट हेयर फॉर्मेशन में इथाइलिन का रोल है, तो यहां हम कह सकते हैं हमारे पास आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस फोर। 170 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद पीजीआर विद द रेफरेंस टू पीजीआर सिंथेसिस, सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ऑक्जीन सर दिया है जिंक, ये हमने मिनरल रोटेशन के चैप्टर में डिस्कस किया था, एक्टिवेटर होता है और ट्रिप्टोफैन या प्रीकर्सर है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है यहां प्रीकर्सर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है। तो जो ऑक्जीन है इंडोल एसिटिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है तो यहां पर ट्रिप्टोफैन जो है प्रीकर्सर का काम करता है और यहां पर जिंक जो है देखो इन्होंने बोला है जिंक, तो जिंक जो है ये कोफैक्टर है, यहां पर एंजाइम आएगा उसका ये कोफैक्टर होगा जो उसको प्रमोट करेगा फॉर्मेशन। फिर सर दिया है जिब्रेलिन्स और एस्कोमाइसिटी जहां दिया है, तो जिब्रेलिन जो है देखिए जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो डिस्कवरी हम पढ़ते हैं उस डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख सकते हैं कि जो जिब्रेलिक एसिड है वो फंजाई से बेसिकली ऑब्टेन किया गया, तो यहां भी उसका जो एक तरीके से बायोसिंथेसिस है उसका ओरिजिन या सोर्स आपको दे रखा है। हाँ लेकिन इन्होंने ओरिजिन के बेसिस में बात की है। हाँ तो ऑब्वियसली जो ओरिजिन का बेसिस है तो एस्कोमाइसिटी से कोरिलेट नहीं करेंगे कि उन्होंने बोला है पीजीआर सिंथेसिस, बिल्कुल। फिर कह रहे हैं साइटोकाइनिंस ब्रेकडाउन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है साइटोकाइनिन जो है ये न्यूक्लिक एसिड से ही सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं ठीक है। और इथाइलिन इथोफोन एथोफेन ये करेक्ट कनेक्टिविटी है, ये जो है वो कमर्शियल यूज के लिए भी एग्जैक्टली ये मिलता है, मार्केट में आप इसको ले सकते हैं। तो एस्कोमाइसिटी जहां जो है वो ये रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट रेफरेंस हो गया है। 171 द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये होगा टाइम के साथ आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ग्रोथ को अगर प्लॉट करेंगे तो आप कहेंगे ऑलवेज जी शेप कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आएगा, लैग फेज के बाद लॉग फेज में रैपिड एलोंगेशन में ये चलेगा और कंटिन्यूस चलेगा तब तक जब तक इस ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स लिमिटाइज नहीं हो जाएं। ये सर इस बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में 2020 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन था जिसमें सिग्मॉइड कर्व के बारे में पूछा गया था कि सिग्मॉइड कर्व में जो रैपिड ग्रोथ होती है वो कब होती है, लॉग फेज में, क्योंकि सिग्मॉइड जो होगा वो टर्न आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी फेज। तो यहां हमारे पास जो है इनिशियल वेट क्या था और जो है वो आर और टी के रेस्पेक्ट में जो लॉगरिथम बेसिस लेते हुए इसको आप सोल्व कर सकते हैं, थर्ड आंसर हो जाएगा। 72 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, तो पार्थेनोकार्पी जो है वो आप जानते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट्स विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑक्सीन इसके लिए परफेक्ट है। आपको और दे रखे हैं जिब्रेलिन इथाइलिन और साइटोकाइनिन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, लेकिन पार्थेनोकार्पी के लिए अगर आपको सबसे पहले चूज करना हो तो आपका आंसर होना चाहिए ऑक्सीन। नेक्स्ट 73 इन डायोसिस स्पीसीज, देखिए डायोसिस आपसे यह पूछा है जेनेटिकली फीमेल प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मेल फ्लावर्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ, तो क्वेश्चन में काफी अच्छा सर मुझे लग रहा है इसमें अच्छा स्विच किया गया है। डायोसिस स्पीसीज सबसे पहले आप कहें तो डायोसिस का मतलब है या तो मेल फ्लावर प्रेजेंट होगा उसमें या फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, ये लीजिए बहुत अच्छा तरीका है, मैं बच्चों को अक्सर बोलता रहता हूँ मोनो एक में दोनों, मोनोसियस कंडीशन अगर है तो एक ही में दोनों प्रेजेंट होंगे एंड डायोसिस स्पीसीज है तो ऑब्वियस है दोनों सेपरेट सेपरेट प्रेजेंट होंगे। फिर कह रहे हैं सर जेनेटिकली फीमेल प्लांट कैन बी इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मेल फ्लावर्स, तो ये फीमेल प्लांट है और इसको मेल फ्लावर्स के लिए या मेल नेस्ट के लिए प्रमोट करवाना चाह रहा है, तो कौन से पर्टिकुलर हार्मोन को यहाँ यूटिलाइज किया जा सकता है ये कहना है इंडोल एसिटिक एसिड इथाइलिन जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड।
तो जो पाइनएप्पल का एक एग्जांपल दे रखा है ऑक्सिन के केस में एनसीईआरटी लिखती है तो वो फ्लॉरिंग इंड्यूस करवा सकता है, फीमेलनेस इंड्यूस करवा सकता है। इसके अलावा कुकुरबिटेसी के जो मेंबर हैं उनमें कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में भी फ्लॉरिंग इंड्यूस करवाई जा सकती है जिब्रेलिक एसिड की हेल्प से। तो ये मेलनेस और फीमेलनेस जो एग्जैक्टली है ये जीन के एक्सप्रेशन का मामला है। बिल्कुल यहां पर इसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे जिब्रेलिक एसिड जीन के एक्सप्रेशन का मामला है। मेल फ्लावर्स इंट्रोड्यूस करवाया इसका मतलब है कि मेल जो फ्लावर एक्सप्रेस करने वाली जीन है उसको स्टिमुलेट करवाया जा सकता है। इसके अलावा कोई बहुत बड़ा इसमें कंसेप्ट दे भी रखा है, स्टेटमेंट दे रखे हैं फीमेल फ्लावर के लिए जैसे एग्जांपल है। तो यहाँ पर ए सी ई जो आपका ऑक्सिन है साइटोकाइनिन और इथाइलिन जो है वो फीमेल फ्लावर को प्रमोट करते हैं। और यहाँ मेल फ्लावर की बात करें तो फिर आपके पास बच गया जिब्रेलिक एसिड। नेक्स्ट इंटरनोड इलोंगेशन ऑफ रोसेट हैबिटेट हैबिट plant by the use of gibberellic acid rosette habit of the plants by the use of gibberellic acid is called gibberellin score। dekhiye wo keh raha hai internodal elongation karwa diya gaya to ye sir node part just below and above the node yahan intercalary meristem hota hai aur ye jo intercalary meristem hai iski activity ko stimulate karke elongation karwaya ja sakta hai। to apical dominance jo hai ये क्या दीर्घीकरण करवा सकता है रोजेट हैबिटेट का मतलब है क्लस्टर फॉर्मेशन बेसिकली वोल्टिंग इफेक्ट पड़ते हैं एक सर जैसे स्पिनच वगैरह जो होती है पालक हुआ वहां पर इस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा यहां पर जी रोजेट क्लस्टर लीफ लीफ का जो है एक रोटेट राउंड क्लस्टर जो है वो मिलेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमें कह रहा है कि जिब्रेलिक एसिड के जिब्रेलिन के थ्रू अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको क्या कहेंगे बोल्टिंग की बोल्टिंग इफेक्ट। कैबेज में सर बहुत परफेक्ट एग्जांपल और इसको बोल्टिंग हार्मोन भी अपन बोल देते हैं। बिल्कुल कैबेज जो है बच्चों आपने देखा होगा सरफेस के ठीक ऊपर लगता है वो, लेकिन अगर आप स्प्रे कर देते हैं जिब्रेलिक एसिड का तो इंटरनोडल एलोंगेशन आ जाने से वो जो है एक्सिस से ऊपर आपको काफी ऊपर दिखाई देगा, इसको हम बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। तो रोजेट हैबिट जो प्लांट की है उसको ब्रेक करने के लिए या उसको कन्वर्ट करने के लिए आप जो है वो क्या करेंगे जिब्रेलिक एसिड का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट 7.5 इथाइलिन इज यूज्ड फॉर इथाइलिन यूज किया जाता है। तो इथाइलिन का देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो तो राइपनिंग है फ्रूट राइपनिंग। यहां कह रहा है रिटार्डिंग राइपनिंग ऑफ द टोमेटो पकने से रोकने के लिए नहीं किया जाएगा हैस्टिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। ये बिल्कुल ठीक बात है पकने की दर को जो है वो इंक्रीज। हाँ फिर कह रहा है स्लोइंग डाउन द राइपनिंग ऑफ द एप्पल्स ये भी नहीं ऐसा नहीं करेगा। ये ऑलवेज जो है वो आप कह सकते हैं रेट को इंड्यूस ही करेगा और जब ये इंड्यूस करता है तो क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन जो है वो दे रखा है एनसीईआरटी में रेट इंक्रीज होती है रेट इंक्रीज होती है रेस्पिरेशन की पर्टिकुलर सेल्स की। नेक्स्ट 7.6 व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ जिब्रेलिन कॉज्ड फुलिस सीडलिंग इन राइस डिजीज इन राइस। देखिए फुलिस सीडलिंग जो है वो बेसिकली डिस्कवरी का बेसिस भी था जिब्रेलिक एसिड जो डिस्कवर किया गया। सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये सारे हॉर्मोन्स जो है वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए हैं मतलब ऐसे ही हो गए अचानक कुछ दिखा सिम्टोमेटिक दिखा सिम्टम्स दिखे और उनके बेसिस पे फिर उनको ऑब्जर्व किया गया तो पीछे हार्मोन निकला। तो ये सब जो है वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी है गनीमत है कि एक्सीडेंट कम हुए ज्यादा होते तो ज्यादा हार्मोन होते अब तक कुछ बहुत ज्यादा हार्मोन्स पढ़ने पड़ते हैं तो ठीक है बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि एक्सीडेंट कम हुए और आगे भी एक्सीडेंट कम ही हो। तो जिब्रेलिन के किस प्रभाव के कारण चावल में मूर्ख नवोद्भिद होता है ये देखिए सेल डिवीजन सेल एलोंगेशन प्रमोट सुगर ट्रांसपोर्ट और नानोमेटिक्स यहाँ जो दिया है सेल एलोंगेशन पे जाएंगे क्योंकि वहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया अपन जो बात करें जब उन्होंने ऑब्जर्व किया राइस जो फील्ड थे वहाँ पर कुछ राइस ऐसे थे जिनकी जो हाइट है वो काफी ज्यादा थी उनका स्टेम भी थिन था 4 से 5 कैरेक्टर थे जैसे सर बता रहे थिन पेल येलो थिन होने के साथ साथ बहुत इलोंगेटेड हो गए प्रोडक्शन भी कम था उनका इसका पक्का वो डिजीज से जो है हाँ फंगल इन्फेक्शन था। तो इस तरीके से हम जो है वो यहाँ इलोंगेशन का जो बेसिस है उसको यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। 7.7 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट फाउंड इन प्लांट्स। अभी आपने बताया था जो प्लांट्स में होते हैं नेचुरल हार्मोन और जो प्लांट्स में नहीं होते जो बाहर सिंथेसाइज करते हैं वो अपने सिंथेटिक है जिब्रेलिन ऑक्सिन साइटोकाइनिन ये सारे नेचुरल। 1.7.8 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मेज्ड ये कह रहा है पेप कार्बोक्सिलेज देखिए थोड़ा सा फोटोसिंथेटिक रेफरेंस का है रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन रिपीट किए हैं ताकि थोड़ा सा रिवीजन कनेक्टिविटी बनी रहे। पेप कार्बोक्सिलेज डेफिनेटली स्टूडेंट्स मेसोफिल सेल्स और बंडल सीड सेल्स में फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी C4 प्लांट्स में होती है तो ये पेप कार्बोक्सिलेज आप कह सकते हैं ठीक है मेसोफिल सेल्स में होगा। ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये भी मुझे सही लग रहा है सर सही कनेक्टिविटी है। फिर है सॉर्गम ये C4 प्लांट है C4 प्लांट है तो C4 प्लांट जो है क्रेंजेनेटोरियम में होती है डेफिनेटली पीएस फर्स्ट
ये देखिए बहुत बेसिक बात दे रखी है, PS plus P700 आप लिखते हैं बच्चों, ये absorption peak है इसका, जबकि ये absorption peak जो आपको दे रखा है ये PS second के लिए है, तो हमारे पास आंसर इसका हो जाना चाहिए 4. 179, the compound responsible for red and far red reversible photoperiodic reaction. बिल्कुल, अभी पूरा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, आपने कहा phytochrome red और phytochrome far red इंटर कन्वर्जन है और इंटर कन्वर्जन पर ही बेस्ड है फ्लोरिंग प्रोसेस और उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज आपने डिस्कस की थी. तो सर हमारे पास दे रखा है फाइटोक्रोम हो जाएगा डायरेक्ट. हाँ डायरेक्ट हो जाएगा. देखिए साइटोकाइनिंस दे रखे हैं, साइटोक्रोम दे रखे हैं, फाइटोक्रोम और एंथोसाइनिन. अगर हम बात करें एंथोसाइनिन के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाटर सोल्युबल पिगमेंट है फाउंड इन द सैप वैक्यूल्स. बिल्कुल, ये साइटोक्रोम्स जो भी हैं ये भी रिसेप्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे जो भी ऑक्सीडो रिडक्टिव रिएक्शंस वगैरह हमने देखी उनमें साइटोक्रोम कंपोनेंट फॉर्म प्रेजेंट है. साइटोकाइनिन जो है वो आप जानते हैं स्टूडेंट्स ग्रोथ रेगुलेटर है. 180, the combination of auxin and cytokinin which is likely to induce shoot differentiation in tobacco callus itch. तो tobacco callus में जो shoot differentiation है उसकी बात कर रहा है. Obviously वही organogenesis का concept इस पे सर apply होगा. यहाँ specify कर दिया उन्होंने shoot differentiation, तो obviously यहाँ CK का level ज्यादा होगा, auxin का level, indole acetic acid का level जो है वो यहाँ कम हो जाएगा. तो answer पे चले जाएं, only auxin, cytokinin. सर यहाँ लिखा only auxin. No cytokine, गलत हो गया. Only cytokine, no auxin. दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. High concentration of cytokine and low concentration of auxin. तो सर ने जो टिक किया आंसर, थर्ड यहाँ आंसर हो जाएगा. 181, given diagram of PS for Shaw's LHC, light harvesting complex. ठीक है? और ये जो LHC जो है, वो क्या शो करता है? तो कह रहा choose the correct option A, B, C and D के रेफरेंस में. तो सर यहाँ डायग्राम दिया है, मेंशन कर रखा है, तो आपको ये लेबल करना है. हाँ. Obviously ये जो A रिप्रेजेंट कर रखे हैं, आपने डिस्कस भी काफी किया था, ये एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं. जो B है ये कोर मॉलिक्यूल्स होंगे जो अंदर की तरफ प्रेजेंट हैं. बिल्कुल. C जो है ऑब्वियसली ये रिएक्शन सेंटर होगा. रिएक्शन सेंटर, अब रिएक्शन सेंटर उन्होंने डिफाइन नहीं किया, तो मे बी फोटोसिस्टम फर्स्ट और ये फोटोसिस्टम सेकंड के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे P700 और P680. और जो D है वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इस पे जाना पड़ेगा. तो जो A है उसको मैच कर देते हैं एंटीना मॉलिक्यूल रहा सर, दोनों में है. B कोर मॉलिक्यूल, कोर मॉलिक्यूल दोनों में सेम है. जो C है वो आपका रिएक्शन सेंटर होगा, तो रिएक्शन P700 जहां इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे. और जो D है वो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहां सेकंड आंसर. प्लांट आपको दे रखा है, और देखिए सर कंडीशन यहाँ दी है. फोटोपीरियोडिज में हम पढ़ते हैं, फोटोपीरियोडिज में आपको पता है बच्चों अपने आप में एक ऐसा फिनोमिनन है जो किसी भी प्लांट में फ्लॉरिंग प्रोसेस को शो करता है. प्लांट कितनी लाइट या किस क्रिटिकल लाइट पे फोटो लाइट रिसीव करके फ्लोरिंग लाइट ड्यूरेशन का बड़ा रोल है. लाइट ड्यूरेशन तो कह रहे 12 आवर्स का कंटिन्यूस डार्क दिया गया किसी प्लांट को, और जब डार्क 12 आवर्स का कंटिन्यूस दिया गया तो उसमें फ्लोरिंग हो रही है. तो हमारे पास दो बेसिक बातें, आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करने हो तो बेसिक बात ध्यान रखें. जैसे मैंने ये कहा, इसकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं ले लेता हूँ, 12 आवर्स का किसी प्लांट को लाइट दिया गया और 12 आवर्स का ही किसी प्लांट को डार्क दिया गया. तो सर बच्चे जो जनरली गलती करते हैं वो यही है, यही करते हैं. मैं ये कह दूं ये लाइट दिया गया, ये डार्क दिया गया, ये प्लांट क्या होगा, एलडीपी या एसडीपी, तो वो नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हमें रिजल्ट ही नहीं दे रहा, फ्लोरिंग फिनोमिना नहीं दे रहा, तब तक हम डिस्कस कर भी नहीं सकते. कई बार ऐसा भी होता है, इधर आप लिख दो 14 आवर्स, इधर लिख दो 10 आवर्स, तो बच्चा तुरंत कह देता है ये एलडीपी होगा. आप प्रिडिक्शन है, परसेप्शन ले सकते हैं, लेकिन आप फाइनल नहीं कर सकते जब तक आपके पास फ्लोरिंग फिनोमिना का रिजल्ट नहीं है कि हुआ है कि नहीं हुआ. अब मैंने यहां कह दिया फ्लावर्स बनेंगे, ठीक है, ये जो फूल खिल रहे हैं ये एग्जैक्टली लाइट जो 12 घंटे का उसको दिया गया उसके कारण है, या फिर 12 आवर्स का अनइंटरप्टेड डार्क उसके कारण है, इसका ये की आंसर आपको चाहिए, तब जाके आप डिसाइड कर पाएंगे प्लांट एलडीपी और एसडीपी. तो आपके लिए यहां देखो बहुत इजी कर दिया सर, यहां क्लियरली लिखा है 12 आवर्स का अनइंटरप्टेड डार्क दिया. पहले 12 आवर्स का लाइट दिया, डार्क दिया गया था, ऑब्वियसली 12 आवर्स का लाइट भी था वहां, तो इंटरप्टेड डार्क दे दिया, वहां फ्लोरिंग हो रही थी. अब जैसे डार्क को इंटरप्ट किया गया तो वहां फ्लोरिंग नहीं हो रही, इसका मतलब प्लांट में डार्क पीरियड जो था वो ज्यादा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट था. तो ये प्लांट जो है वो क्या होना चाहिए, एसडीपी. तो देखिए बेसिक रेफरेंस यही है कि किसी भी शॉर्ट डे प्लांट में जो भी डार्क पीरियड है वो अनइंटरप्टेड रहना चाहिए. और इसके लिए मैं जनरली कहता हूं बच्चों को कि एसडीपी के केस में एक ही बात ध्यान रखें, जितना भी है ये अंधेरा कायम रहे.
अगर आपने इसको तोड़ने की कोशिश की तो सारा तिलिस्म जो है ना वो खत्म हो जाएगा और फ्लॉर्स बनेंगे नहीं। तो अंधेरा कायम रहना चाहिए एसडीपी के केस में। अब कंफ्यूजन नहीं हो, अंधेरा कायम रहेगा मतलब ये नहीं है कि अंधेरा फ्लोरिंग करवा रहा है, फ्लोरिंग तो यहां भी लाइट ही करवा रही है, ये कंफ्यूजन आ जाता है। प्रोसेस जो है वो फ्लोरिंग लाइट के इंडक्शन से ही हो रहा है, लेकिन इसको ज्यादा पीरियड नहीं चाहिए। क्रिटिकल डार्क इसके लिए जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। तो सर आंसर पे चला जाओ, सीधा हो जाएगा फर्स्ट एसडीपी, फर्स्ट आंसर क्या हो गया। 183 व्हेन वीट एंड शुगर केन लीव्स आर फिल विद रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इसमें CO2 दे रखा है, पोटेंट CO2, इन विच मॉलिक्यूल वुड द रेडियोएक्टिविटी अपीयर फर्स्ट इन दीज प्लांट्स। तो देखिए रेडियोएक्टिविटी सबसे पहले कहाँ आएगी, वीट और शुगर केन दो आपको दे दिए इनकी लीव्स में और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से ट्रीट कर दिया, और कह रहा है कि रेडियोएक्टिविटी को सबसे पहले आप कहाँ देखेंगे। कॉन्सेप्चुअल बनाया इन्होंने, आपने अगर रेडियोएक्टिव CO2 दिया है तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा जो फिक्स करेगा, तो जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। जैसे वीट है C3 प्लांट में आ गया, ये C4 प्लांट में, और ये अपन बात कर चुके हैं जो C4 प्लांट उसमें जो प्राइमरी जो प्रोडक्ट बन रहा है पाइरुवेट रिसेप्टर होता है CO2 रिसेप्टर, तो वो कन्वर्ट होगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड में। तो सर सीधा ये कह सकते हैं ना कि CO2 को रेडियोएक्टिव करके दिया तो कार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट देखो आप। हाँ, जो फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन का रिजल्ट अगर हम देखें तो C3 प्लांट जो है उसमें तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA होना चाहिए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखा है मेरे पास, ये यहां पर आ जाएगा और वहां ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। ये 4 कार्बन है इसीलिए वो C4 प्लांट था और 3 कार्बन कंपाउंड इसलिए C3 प्लांट। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट ही है, फॉस्फोग्लिसरेट एंड ऑक्सलो एसिटिक। नेक्स्ट 184, ए क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म अकर इन द सक्युलेंट प्लांट्स व्हिच ग्रोज इन द जीरी कंडीशंस। बिल्कुल ठीक बात है, सक्युलेंट जीरोफाइट्स में ही ये होता है। जैसे एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आप कह सकते हैं अपुंसिया कैक्टस वगैरह हुआ। फिर कह रहा है मेसोफिल सेल्स पॉजेस बोथ रुबिस्को एंड पेप्टिडेज एंजाइम इन C4 प्लांट्स। यहां इनकरेक्ट हो जाएगा, C4 प्लांट होगा, मेसोफिल सेल में आपका पेप्टिडेज होगा, ये पेप्टिडेज ही होगा, रुबिस्को वहां नहीं होगा। फिर कह रहा है फाइनल CO2 फिक्सेशन अकर्स इन मेसोफिल सेल्स इन C4 प्लांट। बिल्कुल C3 साइकिल में ही होती है उसमें, तो सर हम कह सकते हैं CO2 फिक्सेशन जो है वो मेसोफिल सेल्स में, सॉरी बंडल सीड सेल, बंडल सीड मेसोफिल सेल, तो ये बंडल सीड सेल होना चाहिए। हां ये देखिए ऐसा है, ये मेसोफिल सेल में एक्टिविटी है, फाइनली इनिशियल CO2 फिक्सेशन तो होगा मेसोफिल सेल्स में बच्चों, फाइनल M और फाइनल फिक्सेशन होगा बंडल सीड सेल्स में C3। जी अगर केवल ए स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बाकी सब इनकरेक्ट। आंसर थर्ड 185 Given diagram showing growth of the two leaves. देखिए यहाँ जो leaves की growth है उसमें एक तरीके से आपको relative reference दिए हैं। फिर वो कह रहा है of the same time if AG absolute growth and the RGR relative growth rate then choose the correct option. बिल्कुल बहुत clear है सर, 5 सेंटीमीटर square initial था और 10 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हो गया, तो इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही और बढ़ गया। तो इसमें तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि यहाँ जो ग्रोथ हुई है 100% रिलेटिव ग्रोथ जो परसेंटेज है आपकी 100% हो गई, जितनी एग्जिस्ट कर रही थी पहले उतनी ही बढ़ गई, और एब्सोल्यूट जो ग्रोथ है वो अपन लेंगे 5। एब्सोल्यूट ग्रोथ तो एनसीईआरटी का डायग्राम ही है, एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों में समान है, इक्वल है दोनों, इसमें भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, उसमें भी सर देखो मार्क कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ रहा है, लेकिन 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में 5 बढ़ा। बिल्कुल, तो यहां पर रिलेटिव की बात करेंगे तो यहां आ जाएगा रिलेटिव जो ग्रोथ है वो कम होगी। बिल्कुल, तो एक तरीके से देखो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में समान है, इक्वल है, और जो रिलेटिव ग्रोथ है वो रिलेटिव ग्रोथ आप कह सकते हैं 100% है और इनका 10% हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो देखिए एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ लीफ ए, एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ लीफ ए 5, रिलेटिव ग्रोथ 100%, रिलेटिव ग्रोथ 100%, और बी की बात करें एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ लीफ बी, ये तो 5% 5 ही होगा दोनों में, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर वो 10%, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड। क्लियर। 186 सीड जर्मिनेशन इज द स्प्राउटिंग ऑफ ए सीड एंड ग्रोथ of the embryo present inside the seed into a seedling or the young plant capable of independent existence, refer the given figure showing seed germination, mark the incorrect option. तो देखो सर ये जो दे रखा है ना इसमें दो तीन बातें हम क्लियर कर सकते हैं, पहले सीड का जर्मिनेशन दिखा रखा है, ये सॉइल सरफेस है, और इसके बाद में इलोंगेशन दिखा रखा है यहाँ से, और इस इलोंगेशन में देखिए ये रूटिंग हो गया और ये जो है वो वेजिटेटिव पार्ट यहाँ प्लांट में बन गए। तो जो सीडलिंग का प्रोसेस है दो तरीके से बेसिकली होता है, अबाव ग्राउंड जिसको एपिकोटाइल एपीजियल जर्मिनेशन हम बोलते हैं, और बिलो ग्राउंड जो है उसको हाइपोजियल बोलते हैं।
यहाँ जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है इसमें कौन सा पार्ट जो है वो इलोंगेट होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए ये जैसे सीड है, अब अगर अबाव ग्राउंड जर्मिनेशन हमें करवाना है तब तो एम्ब्रियोनल एक्सिस के इस पार्ट को, एपिकोटाइल को जो है वो इलोंगेट करवाना पड़ेगा। ये हाइपोकोटाइल पार्ट है, एपिकोटाइल पार्ट को अगर आप इलोंगेट करवाते हैं तो सीड वही रह गया और ये ऊपर की तरफ निकल के आ गया, और हाइपोकोटाइल पार्ट को अगर इलोंगेट करवाते हैं तो ऑब्वियस है यहां से ये इसको बाहर लेकर निकल जाएगा, मतलब सॉयल सरफेस से इमर्ज आउट हो जाएगा। तो ये बेसिक रेफरेंस एक हम पढ़ते हैं। अब यहां हमें जो दे रखा है फिगर उसके अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कोटाइलिडोन्स आर ब्रॉट आउट ऑफ द सॉयल बाय द ग्रेटर ग्रोथ ऑफ द हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल की बड़ी ग्रोथ हुई है, ज्यादा ग्रोथ हुई है। हाइपोकोटाइल की ग्रोथ अगर ज्यादा होती है तो इस केस में क्या होगा, हाइपोकोटाइल की जो ज्यादा ग्रोथ होगी वो सॉयल सरफेस से ऊपर जर्मिनेशन करवा देगी। और हमें देखो यहाँ दिखाई भी दे रहा है कि जो कोटाइलिडोन्स है ये सॉयल सरफेस से बाहर इमर्ज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं ये क्या है, सही है, बिल्कुल ग्रेटर। फिर कह रहे हैं कोटाइलिडोन्स बिकम ग्रीन एंड फंक्शनल एज फर्स्ट लीव्स ऑफ द सीडलिंग। फर्स्ट लीव्स ऑफ द सीडलिंग जो है उनमें ये जो है वो क्या होंगे, ग्रीन एंड फंक्शनल। तो सबसे पहला जो लीव बाहर आएंगे ये जो कोटाइलिडोन, ये कोटाइलिडोन सरफेस से बाहर आते ही ऐसे आप कह सकते हैं रूटिंग होना शुरू हो गई, और ये कोटाइलिडोन है, ये फर्स्ट लीव या कोटाइलिडोन लीव के फॉर्म में बनेंगे और फिर साथ में जो है उसमें वेजिटेटिव लीव बनना शुरू हो जाएंगे। फिर दे रखा है हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट मच, इंस्टेड द एपिकोटाइल ग्रोज एंड टेक प्लूमूल अबाउट द सॉइल। अगर एपिकोटाइल का इलोंगेशन होता है तो स्टूडेंट्स एपिकोटाइल के इलोंगेशन में सीड जर्मिनेशन बिलो द ग्राउंड होगा ऑलवेज, ऊपर तक आई नहीं पाएगा वो। ये देखिए ये पोर्शन एपिकोटाइल है, ये पोर्शन हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल इलोंगेट होगा तो सीड को सॉइल सरफेस से इमर्ज आउट करवा देगा, जबकि इस एपिकोटाइल का इलोंगेशन जो है वो सीड को रखेगा सॉइल सरफेस से नीचे, जहां हमारे डायग्राम में हमें अबाव सरफेस जर्मिनेशन दिखाया गया है। तो ये स्टेटमेंट सर इनकरेक्ट हो गया है। और फोर्थ प्रकार दिस काइंड ऑफ जर्मिनेशन इज फाउंड इन द सीड ऑफ द बीन्स। एनसीईआरटी ने बीन के सीड का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ये दिया है, तो यहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीड जर्मिनेशन की आपको मिलती है, जिसमें पहला आप कह सकते हैं द टाइप ऑफ द जर्मिनेशन, एपीजियल एंड हाइपोजियल, अबाव ग्राउंड एंड बिलो ग्राउंड रेस्पेक्टिवली, और उसके अलावा एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के एलोंगेशन से कौन से टाइप का जर्मिनेशन होगा। तो सर आंसर फाइनल किया जाए, आंसर थर्ड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, हाइपोकोटाइल डज नॉट इलोंगेट मच, जबकि हाइपोकोटाइल ही इसमें क्या होगा, इलोंगेट होगा। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 187, द सेल अटेनिंग देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म ऑफ द वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन बिलोंग टू। सर ये जो फेजेज ऑफ ग्रोथ है वहां बहुत परफेक्ट दे रखा है, तो वो कह रहा है कि सेल अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर रही है और वॉल थिकनिंग और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन कर रही है, थिकनिंग ऑफ वॉल हो रही है, जिसमें मैच्युरेशन पे जा रहा है, फिर मैच्युरेशन पे जा रहा है। तो देखो मेरिस्टेमेटिक फेज में तो मतलब नहीं है, इलोंगेशन से मैच्युरेशन की तरफ जा रहा है आप ये कह सकते हैं। तो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन और वॉल थिकनिंग ये जो दोनों एक्टिविटी इसके बेसिस पे हम जा सकते हैं मैच्योरेशन, क्योंकि बच्चों को डाउट हो जाता है अटेनिंग देयर मैक्सिमम साइज में तो इलोंगेशन भी है, बट इलोंगेटिंग कंडीशन है, मैच्योरेशन में जाके वो मैक्सिमम साइज अपनी अटेन कर लेगी, वहां मेंशन कर रखा है स्टेटमेंट। 188, जिब्रेलिन्स कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस ऑन। उनका इन्फ्लुएंस किस पे है, रेट ऑफ द सेल डिवीजन, नहीं, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, ठीक है, और सिंथेसिस एब्सिसिक एसिड का मतलब नहीं है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लेकिन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है इसको प्रमोट करते हैं। सर इसका एक एग्जांपल भी बच्चों को बता देते हैं साथ साथ, इससे क्लियर रहेगा। अगर मोनोकोटाइलिडोनस हम बात करें सीड की, तो इस सीड में इस जिब्रेलिक एसिड का जो बायो एसिड भी पढ़ा जाता है अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी, तो ये देखिए इसमें एम्ब्रियो पोर्शन है और ऊपर जो आप जानते हैं इसमें एंडोस्पर्म है। तो यहां अगर ये इसका एक्सिस में कहूं तो इसमें जिब्रेलिक एसिड की एक्टिविटी के कारण यहां जो सुगर फॉर्म प्रेजेंट होता है स्टार्च, वो सोल्यूबल फॉर्म में अवेलेबल करवाया जाता है किसको, एम्ब्रियो को, और ये जो एक्टिविटी है इसको आप बोलते हैं अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी, और अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करती है, और इसी के लिए ये ऑप्शन दिया गया आपको, प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स। तो आंसर हो गया सेकंड। 189, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ रेगुलेटर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। तो देखिए नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D मिंजल, जीआरटीन है सर, जीआरटीन नेचुरल फर्स्ट नेचुरली ऑब्जर्वड और सिंथेसाइज्ड साइटोकाइनिन इज द जीआरटीन। 190, वन हार्मोन इज यूज्ड टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन बार्ले, अनदर इज यूज्ड टू प्रमोट फ्लॉरिंग इन पाइनएप्पल, व्हाइल द थर्ड हेल्प इन द डिले ऑफ द लीफ सेनेसेंस। तो माल्टिंग इफेक्ट जो है माल्टिंग प्रोसेस या फर्मेंटेशन से रिकोरिलेट करता है, बार्ले दिया है सर, ये जिब्रेलिक एसिड होना चाहिए।
आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी प्रोसेस में दे रखा है. अनदर इज यूज्ड टू प्रमोट फ्लोरिंग इन द पाइनएप्पल. ऑक्सिन आपको दे रखा है इसके लिए. डिले सेनेसेंस ये बात कर भी चुके हैं अपन. साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो है ये यहाँ रेफरेंस हो जाएगा आपके पास. सेकंड जो है वो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा. क्लियर? तो इस तरीके से हमने ग्रोथ फिजियोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए और हमने कोशिश की है हॉर्मोन्स और इसके अलावा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उससे मैक्सिमम कंटेंट जो है वो इंक्लूड किया जाए. सर्वेश सर, अब नेक्स्ट जो फिजियोलॉजी की दो गुरुनीति और आएंगे तो उसमें सर अपन ऐसा करेंगे कि जितने भी मिक्स क्वेश्चन है क्योंकि अपने अभी तो चैप्टर वाइज लिए हैं तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे, सॉल्व करवा देंगे. अच्छे जो कॉन्सेप्ट है, कोई रिमेनिंग कॉन्सेप्ट रह गए उनको अपन डिस्कस कर. तो स्टूडेंट्स आप भी एक तरीके से तैयार हैं, हम भी इसको पूरा ऑब्जर्व कर लेंगे, देख लेंगे कि जो रहा है जैसा सर कह रहे हैं वो सारा आ जाएगा उसमें. तो आप तैयार हैं, एक तरीके से सेल्फ एनालिसिस है आपका. बिल्कुल, और थोड़े एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी ले लेंगे जो एग्जाम में जनरली पूछे गए, तो उनके पीछे लॉजिक क्या है, थीम क्या है, इस तरीके से हम डिस्कस कर लेंगे. सो एंजॉय द फिजियोलॉजी, एंजॉय द बॉटनी. थैंक यू.